सीधे माजिद हैदरी के पास चलता हूँ जब तक इनके सर की आवाज ठीक हो। माजिद भाई बताइए, आप विष्णु शंकर जैन कह रहे हैं कि ये जो सच्चर कमिटी है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आप मानते हैं? क्योंकि आर्टिकल 14-15 का वायलेशन है। दीपक भाई, मैं सच्चर कमेटी को एक तरफ रख के बात करूंगा और जो कुछ कहूंगा आंकड़ों पे कहूंगा, आंकड़ों के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, और वो आंकड़े कहूंगा जो आरएसएस की सरकार मानती है। हमारा, आप भी मानते हैं, हमारा 14% जनसंख्या है मुसलमानों की भारत में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी रिसेंटली अपनी जम्बो कैबिनेट बनाई जिसमें 78 मिनिस्टर हैं और मुसलमान केवल एक है, जबकि हमारा हक 18 मिनिस्टरों का बनता था। तो हमारे को 18 मिनिस्टर वहां नहीं मिले कैबिनेट में क्योंकि हम मुसलमान हैं। हमारा हक पार्लियामेंट में 80 सीटों का बनता है लेकिन हमें पार्लियामेंट में 80 सीटें नहीं दी जाती। हमारा हर जगह ऐसे ही हक बनता है लेकिन हमारा हक हर जगह आरएसएस छीन लेती है। तो हमारा बात करने का हक बनता है। आप सच्चर कमेटी माने या ना माने, बट आप मुसलमानों के साथ नाइंसाफी मानिए। और उसकी सबसे बड़ी जो मिसाल है वो हमारी कैबिनेट है कि मुख्तार अब्बास नकवी साहब के बगैर कोई मुसलमान भाजपा सरकार को नहीं मिला कि किसी एक मुसलमान को भी मंत्री बनाते। तो किस सरकार की आप बात कर रहे कि वो हमारे साथ जस्टिस करेंगे? कब आज तक मुसलमानों के साथ आरएसएस ने जस्टिस किया है? राजेंद्र सच्चर कमेटी रिपोर्ट जो है वो पाकिस्तान ने नहीं बनाई है, वो तालिबान ने नहीं बनाई है, हमारे माननीय पूर्व जज ने बनाई है। उस पर भी आज हम सवाल यह उठा रहे हैं, जिन्होंने भी अपील की है इनके खिलाफ केस होना चाहिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट इन्हें कम से कम 4 साल की कैद बामुशक्कत करनी चाहिए जिन्होंने अपील ऐसी गलत तरीके की फाइल की है। ये माननीय उच्चतम न्यायालय का हर वक्त वक्त बर्बाद कर देते हैं। जाने को तैयार हो, मुझे 4 साल की सजा देता है ये पेटिशन फाइल। विष्णु शंकर जैन जी 4 साल जेल जाने के लिए तैयार हो जाइए। तैयार हूँ, पेटिशन लगा दी आपके देश के लिए, हिंदू समाज के लिए। अगर ये पेटिशन फाइल करने पे मुझे कॉस्ट लग, मैं तैयार हूँ। अरे 4 साल क्या जी, आपको 14 साल के लिए जेल होनी चाहिए। अगर मुझे आपको उम्र कैद मिलनी चाहिए तिहार में, 4 साल। अरे हो जाए, तो 4 कहा था, अब 14, अब उम्र को उम्र कैद क्या हो गया भाई? आपको पूरा जीवन इस चीज में लगाने के लिए भर अपने जेल में रहना चाहिए, तिहार जेल में या तो फिर तलोजा जेल में। अब हम शुरुआत ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, ब्रेक के बाद शुरुआत करूंगा यही से।